तो स्वागत है बड़ी इंटरेस्टिंग से वर्कआउट में। देखो इससे मजेदार और इससे इजी वर्कआउट हो नहीं सकती है। चुप हो जा सातवीं फेल। और लिटरली बिलीव करो, वहां में कहां थे, लिटरली बिलीव करो, कुछ कुछ वर्कआउट ऐसी मैंने इसमें डिजाइन की है, वो वर्कआउट आपको अभी इससे पहले कहीं भी यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब कुल मिला जुला के बड़ी ही इफेक्टिव, बड़ी ही मजेदार, बड़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। बट देखो हर चीजें जरूरी है, वैसे ही डाइट भी जरूरी है। कितनी भी वर्कआउट कर लो अगर डाइट ठीक नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं फ्री में डाइट। यस फ्री में डाइट, यस फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो यूजर आईडी यहां पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज करो विद इन 24 आवर, फॉलो भी कर लेना विद इन 24 आवर, डाइट चार्ट आपके फोन में होगा। सो ये बात कम करते हैं, सीधे स्टार्ट करता था मेन कोर वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो वर्कआउट है वो है वार्म अप। वार्म अप के बाद अपनी मेन वर्कआउट शुरुआत करें तो पहले लगाएंगे हम लोग हाई नीज जस्ट 30 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट एज अ वार्म अप वर्कआउट। इजी 1 2, आप चाहो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड आपकी फिलहाल स्ट्रेंथ कितनी है। इजी ज्यादा नहीं, 20-30 क्या 2 सेट लगा लो, आपका वार्म अप कंप्लीट। इजी मैंने 40 टाइम्स कर लिए, आप चाहो इसके 20-20 के या 30-30 के 3 सेट परफॉर्म कर सकते हो। ये थी वार्म अप। आइए स्टार्ट करते हैं मेन कोर वर्कआउट। अब हम लगाएंगे 3 लेवल स्क्वाट। ये तीनों का वेरिएशन है, क्लोज वाइड देन मोर वाइडर। ज्यादा नहीं, 20 रेपिटेशन आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। 1 2 3, बस यहीं से वापस जाओ। 1 2 1 2 1 2, easy। पूरा खड़े मत होना, नीज हमारी बन रहे हैं और इसी फॉर्म में आपको 20 रेप्स कम से कम परफॉर्म करने हैं। साइड से दिखा रहा हूँ, देखो बैक आपकी बेंड ना हो, बैक आपकी लॉक रखो। easy, 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 easy। आपको जो इनर था ये उस पर टेंशन क्रिएट होगी, ज्यादा नहीं 20 रेप्स डन। इजी है, बहुत अच्छा फील होगा आपके इनर थाई, आपके क्वाड्स मसल पे। इसके लिए हो गया आप 3 सेट्स। जो सेकेंड वर्कआउट है वो है वॉकिंग स्क्वाट के साथ हम लोग बैक आएंगे जंप स्क्वाट। देखो थोड़ा सा अलग वेरिएशन में है, लेकिन ये आपके इनर थाई के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। एटलीस्ट 20-25 रेप्स आपको परफॉर्म करना है। इजी, पूरा मैट तक जाएंगे। 10 1 2 3 4 टाइम्स में बैक वापस आ जाना है। देन गए, देन 1 2 3 4, ज़्यादा जगह मत लेना, 4 स्टेप में आपको पीछे में जाना है। अब बैक आपकी ऐसी रहेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अगेन इसी फॉर्म में आपको 15-20 रेप्स जितना आपसे हो पाए, एटलीस्ट 10 से तो ऊपर ही करना है। ये गए, देन लास्ट होल्ड किए बैक। देखो थोड़ी सा टफ वर्कआउट है तो आपको पैर में फील होगा, बट ये इजी होने वाली नहीं, लेकिन कोशिश करना एटलीस्ट आपको 10 रेप्स तो निकालने हैं और 3 सेट आप परफॉर्म करोगे ही करोगे। तो नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि थर्ड जो वर्कआउट है वो है फ्रॉग जंप। भी इजी है, ग्लूट्स और इनर थाई के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट। सिंपली स्क्वाट बैक, स्क्वाट स्ट्रेट, इजी। अपने हिप्स पे टेंशन क्रिएट करनी है, इजी 10 रैप्स, इजी इजी बर्पीज का छोटा बेबी, इजी इजी लास्ट डन। सो ये थी थर्ड फ्रॉग जंप, जिसके आप 10-15 रेप रेंजेस के बीच में एटलीस्ट के आप 3-3 हो गए ना 3 सेट परफॉर्म करने हैं। ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट। और जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है 180 डिग्री स्क्वाट। कैसे करना, देखो एक पैर को रखो मैट के किनारे पे, देन स्क्वाट के पोजिशन पे आ जाओ, देन इजी इजी पूरा टर्न करो, इजी easy, 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 easy। एक साइड हो गया, देन सेम इस पैर से
छोटे छोटे स्टेप्स, कम से कम 5 to 6 स्टेप्स निकलने ज़रूरी हैं। इजी। अब होता क्या है ना, जो आपका इनर थाई है और आपका ग्लूट्स है, दोनों देख लो, ये इधर इधर आपका ग्लूट्स घूमते हो जब, तो हमारा इनर थाई इस पैर का इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव, आप का जो ये वाला पार्ट है ना, आप फील करोगे हाँ यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है। तो एक सर्कल इधर से, एक सर्कल इधर से, 10 रेप्स हो गए, ये काउंट होगा एक सेट। ऐसे ही 3 सेट इस पैर से, 3 सेट दूसरे पैर से, तब जाके होगा ये पूरा कंप्लीट। ये थी हमारी चौथी वर्कआउट, लगाओगे 3 सेट। नेक्स्ट वर्कआउट है वो है लंजेस। ये लंजेस अब तक के किसी भी यूट्यूब वीडियोस पर आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली लिख के रख लो, होगा तो बता देना। देखो लंजेस का फॉर्म ये है, नीचे गए, टैप, इस हाथ से भी टच करोगे, बैक, टैप, इजी, पूरा नी जमीन पे रखोगे, टैप करोगे, देन लेफ्ट हैंड से, इजी, ये कहीं नहीं मिलेगी, मतलब वर्कआउट नहीं मिलेगी, और किसी की मैं बात नहीं कर रहा था। देखो लंजेस, टैप, लंजेस, टैप, लंजेस, टैप। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आप इसको ऐसे पुश करते हो फिंगर से टैप करने के लिए, जो आपका हैमस्ट्रिंग का ये वाला पार्ट है, जिसको इनर थाई या हैमस्ट्रिंग दोनों बोलते हैं, वो स्क्वीज होता है। तो टच करते जब स्क्वीज करोगे, वो टेंशन क्रिएट होगी और इनर थाई आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो 5 रेप्स इस साइड से, 5 रेप्स इस साइड से, 10 रेपिटेशन आपको लगाने हैं, 3 सेट, फिर से 3 सेट। आइए करते हैं अब नेक्स्ट वर्कआउट, दैट इज रनिंग एंड हाफ स्क्वाट बर्पीज। ये थोड़ा सा मिक्स है, इसका नाम जो क्रिएशन है वो आपके बड़े भैया ने किया, अगर भैया मानते तो भैया ही मानो, ठीक है। सो स्क्वाट करते हो, पोजिशन पे जाना है एंड जंप, इजी, आपका थाइस भी ट्रेन होगा, आपके ग्लूट्स भी ट्रेन होंगे, देन जंप, जितना फास्ट कर सको आपके ऊपर है, स्ट्रेंथ कम है धीरे धीरे करो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, पर ये और टफ है। इजी जंप, कम ऑन, फ्यू मोर्स, डन, इजी है, बहुत इजी है, जैसे मैं बाल बनाना उतना इजी है, नहीं इतना इजी भी नहीं है। तो इसके लगाओगे आप 3 सेट, ये थी हमारी कंप्लीट। इनर थाई वर्कआउट,